हमें डोमिनोज तो नहीं मिला, हमें भगा दिए हैं वहाँ से। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? तो गाइस, हम लोग हैं अल्मोड़ा में। हम लोग अपने घर आए थे अल्मोड़ा कुछ दिन के लिए, अराउंड 2 वीक्स के लिए। और मैंने अभी रिसेंटली वीडियोस तो नहीं बनाई है, मैं आज ही बना रही हूँ। और आज हम लोग जा रहे हैं थोड़ा शॉपिंग करने के लिए मार्केट। और तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी अल्मोड़ा दिखाऊँ। तो मैं जो भी मुझे रास्ते में अल्मोड़ा का कुछ भी पहाड़ दिखेंगे, जो भी दिखेगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं अब आपको आगे आके दिखाती हूँ। तो हम लोग निकल रहे हैं मार्केट के लिए। हाँ, लॉक कर दो। तो ये है यहाँ की ब्यूटी, ये देखो, ये पूरा है पहाड़ी पहाड़ सामने। तो ये है हमारा घर। तो हम लोग जा रहे हैं मेन मार्केट अल्मोड़ा की। ये वो रास्ता है जो मार्केट जाता है। और यहाँ पे अल्मोड़ा की एक स्वीट है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, बाल मिठाई, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा। तो वो अल्मोड़ा की ही है और अल्मोड़ा की एक शॉप है जो बहुत ज़्यादा फेमस है इसके लिए। तो आज हम वहीं जाने वाले हैं और मुझे भी थोड़ा टेस्ट करना है, इसलिए थोड़ी सी स्वीट्स मैं भी लूँगी। तो बाल मिठाई मैं लेने वाली हूँ और मैं आपको भी दिखाऊंगी वो शॉप। तो ये वो शॉप है जहाँ की बाल मिठाई बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अल्मोड़ा की मार्केट शॉप्स क्लोज रहती हैं संडे को, तो हम लोग यहाँ पे आए, सब कुछ बंद था। पर पास में ही एक मॉल है तो हम लोग मॉल जा रहे हैं। हमें मॉल जाना वैसे भी बहुत पसंद है, तो वहाँ जा रहे हैं। अल्मोड़ा इंटर कॉलेज नहीं, सुबह मॉल का रघुनाथ मॉल। रघुनाथ मॉल, तो हम लोग पहुंच गए हैं रघुनाथ मॉल। यहाँ से है इसकी पार्किंग। और ये यहाँ हमको पे करने पड़े 20 रुपीज़ पार्किंग। दिखाती हूँ यहाँ का नजारा। ये देखो गाइस, कितना सुंदर है। और ये रहे हम, हो गया देखो। और ये है दूसरी साइड, ये अल्मोड़ा का स्टेडियम है। यहाँ पे बहुत सारे ये है मैचेस भी होते हैं। अच्छा, सारे घर हैं अल्मोड़ा में, पहाड़ के लोगों ने कितने घर बनाए। और ये रहे हम दोनों। यहाँ पे हम लोगों को ठंड लग रही है, धूप भी है पर ठंडा भी है। चलो अब हम लोग जा रहे हैं मॉल और कुछ खाते पीते हैं और देखते हैं और क्या है वहाँ पे करने को। यहाँ से लिफ्ट से चलेंगे।
ये मॉल कुछ ज़्यादा ही खाली खाली सा लग रहा है, मुझे लग नहीं रहा है यहाँ पर कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं। चलो, मुझे जबरदस्ती बर्गर मत खिलाओ, मुझे नहीं खाने हैं बर्गर। आप मुझे मुझे पिज्जा खाने का बिल्कुल मूड नहीं। आप मत खाओ ना, आप बर्गर खा लो, मैं पिज्जा खा लूंगी। जबरदस्ती बर्गर, खुद का मन नहीं है तो मुझे भी नहीं खाने देते। तो फाइनली अब हम जा रहे हैं डोमिनोज खाने। ये इंसान मुझे डोमिनोज भी नहीं खिलाता है, मुझे बार बार बोला कि सैंडविच खा लो, बर्गर खा लो, ये वो। अब फाइनली हम लोग पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन डोमिनोज पे। तो हम लोग बैठे डोमिनोज में और हमें बोला गया कि ये घंटा लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कोई तो इनकी गाड़ी आई है और वो बोले एक घंटा लगेगा। और मेरा यहाँ पे इतना मन था खाने का। और अल्मोड़ा में और पता नहीं कहाँ पे हुआ डोमिनोज, यहाँ कुछ ज़्यादा मिलता भी नहीं है। जल्दी से क्या किया जाए, चले क्या? हमें डोमिनोज तो नहीं मिला, हमें भगा दिया है वहाँ से, है ना। आज किस्मत में नहीं था डोमिनोज, और पास में मुझे लगता नहीं है डोमिनोज यहाँ पे है तो। पर एक और यहाँ पे पिज़्ज़ा है तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं, वहाँ का पिज़्ज़ा ट्राई करते हैं कैसा होता है लोकल पिज़्ज़ा। एक्सपेक्ट करो इतना तो अच्छा नहीं होगा वहाँ का, पर स्टिल ट्राई करने में क्या जाता है। आज मेरा बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है। और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, अब हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला, थोड़ा बोरिंग हो गया था, मॉल में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, तो अब हम लोग वापस निकल रहे हैं। तुम जग जा रहे हैं पर फिर भी आप ये तो नज़ारा देख ही लो, है ना। डोमिनोज मिले ना मिले, बट यहाँ की ब्यूटी देखने को मिल गई, उसी में मैं खुश हो गई। ये लोग फिर से हमें मिल गए यहाँ पे, इन्होंने बहुत ही शोर मचाया हुआ है, पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। तो ये पिज़्ज़ा हमारे पास आ गया है, दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, अब देखते हैं खा के कैसा लगता है हमें। हाँ, टू पीस करो भैया, या तो रहने दो, ऐसे खा लेंगे। ये है हमारा बर्गर जो कि काफी देर खा लिया। क्या सर, टेस्ट में ये बर्गर नहीं बन लग रहा है, मीठा मीठा आ रहा है इसका टेस्ट। ये का एक्चुअली थोड़ा टेस्ट मोटा है, ठीक है, बट डोमिनोज वाला टेस्ट तो नहीं है। कितना कौन सा ठीक है? 100 ग्राम बस। सो फाइनली अब हम अपने घर पहुंच गए हैं। तो ये है हमारा घर, ये हमारा किचन है, इधर हमारा 2 बेडरूम है, और देखो मैंने घर से भी यहाँ पे कितना प्यारा और डाल सकते हैं। मानिका आपकी साइड से एक चीज़ रह गई थी। तो अब हम लोग घर पहुंच गए हैं, तो सोच रहे हैं कि अपने क्या किया जाए। तो अब इवनिंग भी हो गई है, अब मैं बनाऊंगी यहाँ पे चाय
और हम लेके आए हैं ब्रेड बटर, तो उसके साथ हम ब्रेड बटर भी बनाएंगे। और ये बन गई है हमारी चाय एंड ब्रेड, ब्रेड बटर। और यहाँ चल रहा है मैच। हेलो, हाँ थक गए आज बहुत ज्यादा। चलो चलो, अरे मैच तो देख लो, चाय बनी चाय तो पी लो। चलो चलो गाइज, अब हम लोग भी चाय पीते हैं और आप लोग भी चाय पियो और मिलते हैं फिर एक ब्रेक के बाद। और अभी तक हम लोग मैच देख रहे थे, तो इंडिया ने काफ़ी अच्छा खेला, हम दोनों ने भी इन्जॉय किया, मज़ा आया मुझे। मैं देखती नहीं हूँ पर साथ में रह के मुझे देखना देखने की आदत हो गई है, तो मुझे पता चल रहा है कि कौन से प्लेयर्स हैं इंडियन क्रिकेट टीम में और कौन कैसा खेलता है। तो आज कोहली ने भी अपने सेंचुरी की है अपना बर्थडे पे, सब बहुत खुश हैं और हम दोनों भी और अभी यहाँ पे अपना लैपटॉप स्टार्ट कर दिया है और ये है कल की तैयारी, क्योंकि कल बहुत दिनों के बाद ऑफिस है, तो आज ही थोड़ा वाईफाई पासवर्ड एंड ये सब रेडी हो रहा है। और बस फिर अब हम लोग बनाने वाले हैं अपना डिनर। तो गाइस, अभी हम लोगों ने कर लिया डिनर और यहाँ पे बज गए हैं कुछ अराउंड 9:30, और क्योंकि यहाँ पे ना लोग काफ़ी जल्दी सो जाते हैं तो हम लोगों को भी जल्दी सोने की थोड़ी आदत हो गई है। तो इसी के साथ मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ। पर गाइस प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।